हूँ ओमनी, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाह रही थी। वो शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीके से आपको भी पता होगा कि इस वक्त देश में कैसे कैसे हालात से हमारा ये देश गुजर रहा है। एक वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, जो कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा वक्त हमको देखने को मिल रहा है, जो कि सदियों सदियों तक लोग याद रखेंगे कि ऐसे वक्त में पूरा देश को रोक दिया है उस सिर्फ एक वायरस के वजह से, क्योंकि हमारी जान बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा बातें उठ रही हैं, अलग अलग जगहों से काफ़ी ज़्यादा बातें सुनने को आ रही हैं। तो मेरे को पता चला कुछ दिन पहले कि मेरे यहाँ जो मेड आती थी जो काम करने, उनको सभी ने निकाल दिया है। तो मैंने पहले तो सोचा कि इनको इस तरीके से क्यों निकाला, लेकिन जब वो मेरे घर पर आई काम करने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको वहाँ से काम से क्यों निकाल दिया गया। तो उन्होंने कहा सब लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया है, और रीज़न है वायरस। क्योंकि मैंने कहा ओके ओके। तो फिर मैंने भी इससे पहले, ट्रस्ट में बताऊँ तो इससे पहले मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था कि इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। तो कुछ टाइम तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब मुझे पता चला कि उनको हटाया गया है, तो मैंने भी तुरंत स्टेप लिया और तुरंत मैंने भी उनसे बोला कि ओके, आप ना मेरे घर भी नहीं आइएगा जब तक मैं ना बोलूँ। मेरी जो मेड है वो मेरी ही जो जहाँ पे फ्लैट में मैं रहती हूँ उसी के नीचे रहती है, वो एक मतलब वहीं पर पूरी देख रेख करती हैं बिल्डिंग की। तो उन्हीं को मैंने काम मतलब अपने यहाँ पर रखा हुआ है। तो हमारे काफ़ी घर जैसे टर्म्स भी है, अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेशंस की बात नहीं है, यहाँ पे जान की बात है। फिर जान की बात चाहे वो मेरी हो, मेरी फैमिली की हो, या फिर उनकी बात हो, क्योंकि मेड एक ऐसी होती है वो जो कहीं भी किसी भी कैसे भी बैठ जाती हैं, जिस तरीके से उनके आप देख सकते हैं ज़मीन पर भी बैठ जाती हैं, हर कहीं पर चली जाती हैं, और वो इतना ज़्यादा हाइजीन का ध्यान नहीं रखती हैं। उनके वो नहीं रखते हैं, क्योंकि वो मेड मेड होती हैं, वो उस तरीके से हाइजीन का ध्यान नहीं रखते जो एक इंसान को रखना चाहिए, खासकर ऐसे वक्त में, क्योंकि ये वक्त साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से आपको न्यूज़ चैनल और हर जगह से बोला जा रहा है कि आप पल पल पे हाथ धोलिएगा, आप साफ़ सफाई का ध्यान रखिएगा, हर तरीके का हर चीज़ को सैनिटाइज़ कीजिएगा, तो ऐसे में अगर हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। मेरे घर पर मेरी फैमिली है, मेरी बेटी है, तो मुझे रिस्क नहीं लेना था, तो मैंने भी उनको हटाया। हालांकि मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन कि मैं उनको मना कर रही हूँ काम करने के लिए, कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि देश में कैसे हालात हैं। उनको बस ये पता है कि एक वायरस चल रहा है जिसके वजह से उनको हटा दिया गया है, क्योंकि उनके यहाँ टीवी नहीं है, तो ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा भी था। तो लेकिन इस टाइम पे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोगों ने भी अपने घर पे मेड लगा रखी है तो प्लीज़ उनको हटाइए, क्योंकि उनके साथ कई सारे वायरस ऐसे गंदगी से जो होते हैं वो साथ में आ सकते हैं, जो कि कोरोना वायरस तो है ही। वो ध्यान नहीं रख रही हैं हाइजीन का, साफ़ सफाई का, कपड़ों का, कुछ भी चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखती है। लेकिन हमको ध्यान रखना है अपनी फैमिली के लिए, हमारे लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे पर ट्रांसफ़र होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है। तो मैं चाहती हूँ कि हम हर इंसान इस तरीके से ध्यान रखेगा तो इस देश को बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल पूरा टाइम मेरा घर का काम में जाता है, साफ़ सफाई में जाता है। मेरी मेड यहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन ये सब काम करती हैं, क्लीनिंग भी करती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो इस वजह से वो ज़्यादा सारा काम करती है। लेकिन इस वक्त मैंने उनको हटा दिया है। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, आप मेड को हटाइए, लेकिन उनका पैसा आप बिल्कुल भी नहीं काटिए, क्योंकि उनको उनके हक का मिलना बहुत ज़रूरी है ऐसे में, खासकर क्योंकि ऐसे में पूरा देश एकजुट होके गरीबों के लिए कर रहा है, तो क्यों ना हमको भी करना चाहिए। मैंने बिल्कुल भी उनके जो पैसे में कोई कटौती नहीं करी है, ना ही करने वाली, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी नहीं कीजिएगा। लेकिन आप मेड को प्लीज़ घर पे मत आने दीजिएगा, या फिर ऐसा कोई भी लोग जो आपके घर पे काम करने आते हैं या आपके घर पे जिनका आना जाना है, प्लीज़ उनको स्टॉप कर दीजिए, वहीं की वहीं स्टॉप कर दीजिए, वो लोग ना आने पाए, क्योंकि वो अपने साथ कुछ भी, यानी कि
कैसे भी करके कोई ना कोई वायरस लेके जरूर आ जाएंगे, जो कि अभी कोरोना तो चल ही रहा है जिससे जिंदगी खराब कर रखी है सबकी। तो रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि जरा सा रिस्क हमारी जान के लिए खतरा बन सकता है, इस देश के लिए खतरा बन सकता है, हमारी सोसाइटी के लिए खतरा बन सकता है। तो इसका आप ज़रूर ध्यान में रखिए। प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप कीजिए किसी भी मेड को, किसी भी काम वाले को, किसी भी जो बाहर का पर्सन है उसको घर पे नहीं आने दीजिए। अगर जितना ज़्यादा है आप घर में अकेले ही वक्त बिताइए फैमिली के साथ, और हाइजीन का ध्यान रखिएगा, साफ़ सफाई रखिएगा, हर चीज़ को सैनिटाइज कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपका एक कदम इस देश को बचा सकता है। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, यही बोलना था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।